आज मसाला किचन में जो मिठाई बन रही है बहुत ही अमेजिंग है। इसमें ना तो मिल्क पाउडर है, ना कंडेंस मिल्क है, ना ही ढेर सारा दूध है, ना ही मावा है, ना चाशनी का झंझट है। बहुत ही अमेजिंग मिठाई है। एक कप दूध से बनकर तैयार हो जाएगी, सबका मुंह मीठा हो जाएगा। चलिए इस मिठाई को बनाने के लिए क्या करेंगे ये देख लीजिए। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। आज की जो मिठाई बनने वाली है, ना तो चाहिए मावा, ना ही कोई मिल्क मेड, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही कोई ड्राई फ्रूट का टेंशन। एक कप दूध से बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ लिए मैंने भुनी सिवई, जो हमें मार्केट में बहुत इजी तरीके से बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। ये बहुत ही फाइन होती हैं और भुनी हुई होती हैं। भुने हुए से मतलब है उसमें दो कलर होते हैं, एक लाइट भी होता है, एक डार्क भी होता है। मुझे जो मिली हैं वो इस तरीके से मिली हैं, और ये ग्राम्स में देखेंगे तो करीब 300 ग्राम है। और मैं आपको इसे तोड़ के कप में डालकर बताऊंगी, जिससे आपका अंदाजा बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा, जिससे आपकी रेसिपी भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो इसको पूरा हाथों से चूर लीजिए और कप में नाप कर ले लीजिए। यहाँ मैंने कोई भी एक कप सेट करना है, ये एक कप हो गया। उसे हम एक पैन में रख रहे हैं। ये है करीब दूसरा कप, मतलब 250 ग्राम मैंने सिवई ली हैं चूर चूर करके और एक पैन में डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच शुद्ध घी। शुद्ध घी से मिठाइयाँ जो बनती हैं बहुत ही परफेक्ट बनती हैं, बहुत स्वादिष्ट बनती हैं। तो 2 से 3 टेबलस्पून डाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हम और डाल नहीं रहे, तो घी तो एटलीस्ट होना चाहिए। अब इसकी भुनाई पर काम होगा। तो भुनाई, क्योंकि ये तो थोड़ी डार्क कलर की हैं, लेकिन हमें भूनना तो है, 5-7 मिनट लगेंगे। अगर आपकी लाइट कलर की हैं तो आपको हो सकता है 10 से 12 मिनट लग जाए। इसे मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी। अक्सर त्योहार के टाइम हम लोग सिवई की खीर बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, पर ये इतनी अच्छी मिठाई है, जो खाएगा आपकी तारीफ करेगा। बनेगी भी बड़ी आसानी से, चाहे आप इसे चम्मच के साथ खाएं, चाहे आप यूं ही उठाकर बाइट मुंह में डाल दें, तो बहुत अच्छी लगेगी। इस सिवई के अंदर 2 शेड थे, थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क। तो जब तक ये पूरा 1 शेड ना हो जाए भून के, तब तक मुझे भूनना होगा। त्योहार में हम अक्सर यही चाहते हैं कि घर के इंग्रेडिएंट से मिठाई बन जाए और बहुत ही टेस्टी बने। सब तरफ से भूनते हुए आप देखेंगे कि अच्छे से सिवई भून चुकी हैं। करीब करीब इसे भूनने में मुझे 7 से 8 मिनट लग गए हैं, क्योंकि मैंने ये सारा काम स्लो गैस पे ही किया। अब इसे हम हटा देते हैं, एक रखते हैं दूसरा पैन। इसमें मैं 1 कप भर के दूध डाल रही हूँ। दूध कोई भी ले सकते हैं, पहले से उबला हुआ हो, गाढ़ा हो, टोंड हो, जो भी आप लेना चाहें। और हाँ, इसमें मैं 3/4 कप चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो चीनी को 1/2 कप भी कर सकते हैं। और दूध और चीनी को मिक्स करेंगे। इस मिठाई में कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है कि आपके घर ना हो। यहाँ पे दूध और चीनी जो है अच्छे से घुल मिल गया है और एक उबाला आने लगा है। अब जो हमारे पास भुनी हुई सिवैयाँ हैं, उसे हमें इस दूध के अंदर डालना है। बहुत ज्यादा दूध को गाढ़ा नहीं करना है, और इन सिवैयों को स्लो गैस पर हमें इस दूध में पकाना है। ये गलती बिल्कुल ना करें कि यहाँ पर आपने फुल गैस करके फटाफट से दूध को सुखाना नहीं है, क्योंकि ये जो सिवई है जब तक गलेंगी नहीं तब तक इसे खाने में मजा नहीं आएगा। अब आप इसमें 1 चम्मच भर के डाल दीजिए इलायची का पाउडर। बहुत अच्छी खुशबू आती है इस मिठाई में इलायची की। और धीरे धीरे इस सिवई को चलाते हुए आप उन्हें पकाते रहिए। जब कभी हमें खीर बनाने का मन हो, तो 1-1.5 लीटर हमारे पास कभी कभी त्योहार के टाइम दूध नहीं होता है, तब भी ये बहुत बढ़िया सिवई बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैंने तो इसे बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनाया है। आप चाहें तो इसमें मावा डाल सकते हैं, मिल्क मेड डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। जैसे जैसे आप और अच्छी चीजें डालते चले जाओगे, उतना ही वो स्वादिष्ट बनती चली जाएगी। इस तरीके से पूरा दूध खत्म हो गया और जो सिवई आपकी हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। जब दूध सूखने वाला हो तब हमें इसमें डालना है करीब 3-4 टेबलस्पून घर की फ्रेश मलाई। ये जरूर डालें। अगर मलाई नहीं है तो मिल्क पाउडर डालें, लेकिन मलाई डालेंगे तो बहुत ही
बढ़िया ये बनेगी और अंदर से जब भी खाओगे तो सॉफ्ट बनी रहेगी। ये मलाई भी जब सूख जाए, ऊपर से थोड़ा दाने दाने मावे जैसे लगने लगे, तब आप इसे सुखा कर गैस बंद कर दें। हमें ऐसी सूखी हुई चाहिए कि ये जम जाए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं सुखानी है लेकिन बहुत ज्यादा गीली भी नहीं रखनी है। इस कंसिस्टेंसी से आप इसे पकाएं और इसे एक थाली में निकाल दें जिससे इसे थोड़ा ठंडा कर पाएं। जब ये एक आध घंटे में ठंडी हो जाए तब आप क्या करें, कोई भी कुकी कटर ले लें या कोई भी कटोरी ले लें जो आपको अच्छी लगे, उसमें दबाते हुए गोल शेप या चौकोर शेप या हार्ट शेप कोई भी आपको देना है उस शेप का आप इसे बना सकते हैं और ऊपर से ड्राई फ्रूट की कतरन रखिए। बहुत ही आसान है इसे बनाना और जिस शेप की आप बनाना चाहेंगे उस शेप की ये बढ़िया सी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो है ना बहुत बढ़िया सी मिठाई जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी, बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है और खीर से भी बहुत अलग है, सिवई से भी बिल्कुल अलग है, पुडिंग से भी बिल्कुल अलग है। क्योंकि राखी है तो हमें चाहिए मिठाई, तो ये मिठाई बनकर तैयार हो गई है। रक्षाबंधन पर आपने क्या क्या तैयारी करी है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अगर आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी है तो फटाफट से ये मिठाई बनाइए और एंजॉय कीजिए। अब आप चाहे चम्मच से इसे मुंह मीठा करवाएं या ऐसे ही लेकर मुंह मीठा करें तो बहुत ही मजा आएगा, है ना बढ़िया सी बात। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को, और हाँ अगर इस चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल न करें।